जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। आज प्रदोष का दिन, शुक्रवारी प्रदोष। इस दिन जो भगवान शिव की शिवालय में जाके पूजन करता है, अर्चन करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और प्रदोष के दिन शिवालय में जाकर, शुक्रवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, आप यदि ये करते हैं, आप कितनी भी दरिद्रता से परेशान हैं, आपके पास कितनी भी धन की कमी है, अवश्य दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपको करना ये है कि जैसे मैंने पहले बताया, अपने पहले वीडियो में बता के रखा हुआ है कि शुक्रवार के दिन आप शाम को माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं, केसर डालकर, मिश्री डालकर, और बाद में प्रसाद के रूप में पूरा परिवार उसका ग्रहण करते हैं, तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। उसी प्रकार प्रदोष के दिन जब शुक्रवारी प्रदोष पड़े, तो आप प्रदोष काल में शिवालय का मतलब ये होता है जहाँ भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार बैठा हुआ हो, विराजित हो। लेकिन कई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ राम जी की मूर्ति भी होती है, कृष्ण जी भी विराजमान होते हैं, हनुमान जी भी विराजमान होते हैं, ऐसे मंदिर में नहीं जहाँ सिर्फ शिवालय हो, भगवान शिव का पूरा परिवार। ऐसे मंदिर में यदि आप जाते हैं तो आपको अति शीघ्र इसका उपाय का जो फल मिलता है, अति शीघ्र मिलता है। आपको शाम के समय आप एक मुट्ठी अक्षत के दाने ले लें। अक्षत का मतलब होता है बिना टूटे फूटे चावल। आप उसे बीन कर साफ कर लें। टूटे फूटे चावल भगवान शिव को समर्पित नहीं होते हैं। और एक घी का दीपक ले लें, एक कलश ले लें, उसमें जल के साथ साथ यदि आपके पास गंगा जल है तो 2-3 बूंद वो डाल दें, क्योंकि पितृ पक्ष में ये प्रदोष पड़ रही है। और थोड़े से काले तिल, जो आपके घर में यदि पितृदोष चल रहा है या पितरों के निमित्त आपने कुछ खास नहीं किया है, तो आपके पितरों को भी शांति मिलती है और आप पर आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद होता है। तो थोड़े से काले तिल और कुछ बूंदे गंगा जल डालने, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, एक कमल गट्टा, शुद्ध घी का दीपक जैसे मैंने बताया, और जितने बेलपत्र मिल सकें, 1, 3, 5, 7 जितने भी आपको मिल जाएं, वैसे कम से कम 5 तो होना ही चाहिए, ले लें। और यदि गाय का घी आपके घर में है तो गाय का घी, नहीं तो आप जो भी आपके पास घी उपलब्ध है, बेलपत्री की चिकनी सतह पर आप जो चिकनी सतह है तीनों पत्तियाँ, उस पर इस घी को लगा लें अच्छी तरीके से, जितने भी बेलपत्र आपके पास हैं, और लेकर शिवालय जाएं। सबसे पहले आप कलश से जल समर्पित करें जिसमें गंगा जल और काली तिल मिला हुआ है, उसके बाद मुट्ठी भर जो अक्षत हैं आपके पास वह समर्पित करें, और उसके बाद एक कमल गट्टा जो लेकर गए हैं, यदि कमल गट्टा नहीं है, कमल का पुष्प मिल जाए वह भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कमल गट्टा या कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। जब आप भोलेनाथ पर समर्पित करते हैं तो इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। आप कमल गट्टा जब समर्पित करते हैं, भोलेनाथ से विनती करें कि हे प्रभु, मेरे घर धन की कमी है, लक्ष्मी की कमी है, और मुझे जैसा जीवन चाहिए मैं नहीं जी पा रहा, मेरे बच्चों को भी पर्याप्त सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है, मेरे परिवार को सुख सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ, आप अपनी कृपा बनाएं और मेरे पास पर्याप्त धन आए, ऐसे विनती करके ये कार्य करें। उसके बाद बेलपत्र, सबसे पहले अशोक सुंदरी, दूसरा गणेश जी को, तीसरा कार्तिकेय के स्थान पर, चौथा बेलपत्र शिवलिंग पर, और पांचवा बेलपत्र आप जब जाएंगे, अभी हाथ में ही रखिए, जब जाएंगे जब नंदी बाबा पर चढ़ाते हुए समर्पित करते हुए निकल जाएं, लेकिन उससे पहले आपको घी का दीपक लगाना है और भगवान भोलेनाथ का जो भी मंत्र आपको याद है, कुछ एक बार दो बार जितनी बार भी आप बोल सकते हैं, विनती करें, अपने मन की बात करें, और दीपक लगाकर बेलपत्र नंदी बाबा पर चढ़ाते हुए घर आ जाएं। आज प्रदोष काल का समय है, 6 बजे से 8:30 बजे तक का समय, इस समय में पर्याप्त समय है। आप इस समय में जब भी आपको फुर्सत मिले, जब भी आपको टाइम मिले, आप शिवालय अवश्य जाएं, क्योंकि पितृपक्ष में पड़ने वाला प्रदोष है, शुक्रवारी प्रदोष है, जिसमें शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। और जो भी कार्य आप करते हैं पूजन संबंधी, तो आपको धन की अवश्य प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होती है। कर देखें।
विश्वास के साथ यदि उपाय करते हैं अवश्य। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी, जब भी शुक्रवारी प्रदोष पड़े आप यह उपाय करें, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार आप यह उपाय करेंगे उतना ही आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी सारी इच्छाएँ सारी जो भी आप करना चाहते हैं धन के द्वारा आप कर पाएंगे। दान दक्षिणा जो भी करना चाहते हैं, सुख सुविधा के सामान सामग्रियां, ऐश्वर्य सभी आप प्राप्त कर सकते हैं। कर देखें। ओम नमः शिवाय।